राजधानी पटना में लंबे समय से लोग उमस और भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। हालांकि 24 सितंबर की शाम को गरज चमक के साथ बारिश ने लोगों को राहत दी। शहर के कंकड़बाग बाजार समिति सहित अन्य इलाकों में शाम होते ही हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को चैन की सांस दी। इस दौरान आसमान में बिजली भी खूब चमकी। रात 11 बजे के बाद तेज आंधी के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। कई इलाकों में देर रात तक बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। आज यानी 25 सितंबर की सुबह से ही पटना में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। ठंडी हवाओं के साथ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जो गर्मी से राहत देने का काम कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश इलाकों में 25 से 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, बांका, जमुई, नवादा जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम केंद्र के अनुसार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की प्रबल आशंका जाहिर की है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है। इसके साथ ही राजस्थान से मानसून की विदाई भी शुरू हो चुकी है, जिससे बिहार में बारिश की संभावना बढ़ गई है। आज पटना में सुबह 10 से 12 बजे के बीच हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोपहर 2 से 4 बजे के बीच मध्यम स्तर की बारिश की उम्मीद जताई गई है। बाकी दिन भर बादलों का लुकाछिपी जारी रहेगा, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक पटना सहित बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश का अनुमान लगाया है। पिछले कई दिनों से पटना के लोगों के लिए ये हफ्ता खास रहने वाला है। लगातार बारिश के चलते अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। ऐसे में ठंडी हवाओं और बादलों के बीच मौसम का ये सुहाना मिजाज लोगों को गर्मी से राहत देगा। ये मौसम खेती के लिए भी अच्छा रहने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना के साथ साथ पूरे बिहार में 30 सितंबर तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकता है। खासकर आंधी और बिजली के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि आपातकालीन सेवाएं तैयार रहें, ताकि यदि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। इस मौसम के बदलाव ने न केवल पटना बल्कि पूरे बिहार में लोगों को राहत दी है। बारिश की ये गतिविधि न केवल गर्मी को कम करेगी, बल्कि फसलों के लिए भी बेहद जरूरी है। किसानों के लिए ये बारिश खास होने वाली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सप्ताह सभी के लिए राहत और खुशियों से भरा रहेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिससे मौसम और भी खुशनुमा बन जाएगा।